नरसी जी एमपीएस न्यूज ने मुर्दे को कैसे जिला दिया, अनपढ़ मूर्ख मानव को सब पढ़ो लिखो में मिला दिया, जीवन के आखिरी वक्त में ये कैसा अमृत पिला दिया, जयसिंह के लुप्त ज्ञान का ये कैसा दीपक देखो जला। जी, सबसे पहले मैं यहाँ आने में हिचक रहा था और रमेश जी ने बोले हिचको मत है, मैं आपका कुछ परिश्रम है उसको बिल्कुल चमकाना लिखा है चाहता जी हूं, उसमें उसके मैंने ऊपर सब। है, उसकी तर्ज है, आ लौट के आ जा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रताप सिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। भाई आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वैद्य जयसिंह जी आ रही है खेड़ा से हैं, जिनकी पहले भी आपने वीडियो देखी और इस वीडियो को बहुत प्यार दिया, क्योंकि इनमें एक विशेषता है और विशेषता ये है कि अनपढ़ होते हुए भी ये और इतने ऊपर शिखर तक पहुंच गए जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति थे जिन्होंने सच्ची लगन के साथ और अपना हुनर जो है वो निखारा, या एक डॉक्टर की डिग्री इन्होंने हासिल की, क्योंकि एक अनपढ़ होते हुए और उस जमाने में, आज इनकी उम्र है जो 70 से 75 वर्ष की उम्र है, और इस उम्र के अंदर आज इन्होंने मतलब एक अनपढ़ होते हुए और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। वो आपने वीडियो पहले दिखाई थी, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, लेकिन आज वैद्य जी फिर हमारे पास पहुंचे हैं, कहते हैं जी आज मैं एक भेंट लेकर के आया हूँ। भाई क्या भेंट है वो आपको बताएंगे। ये वैद्य जी ने एक दोहा लिखा है, गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर एक भजन लिखा है, और वो दोहा भी जो रमेश जी है हमारे योगाचार्य रमेश जी, जो पतंजलि योग समिति से रमेश जी हैं योगाचार्य, उनके ऊपर भी इन्होंने एक दोहा लिखा है भाई, किस प्रकार से उन्होंने योग की शुरुआत की। तो वैद्य जी अपने साथ मौजूद है, स्वागत है आपका अनपीएस न्यूज स्टूडियो में। आपका भी स्वागत है जी, आपके पास दूसरी बार आया हूं, आप ही के प्रभाव से, कोई अनजान तो है नहीं, पूरे परिचित हैं सारी दुनिया के यहाँ के लोग। मैं भी आपके पास एक भेंट सी लेके आया हूं। बिल्कुल वैद्य जी, आपकी भेंट भी सुनाएंगे, लेकिन वैद्य जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार पहले हमने आपकी कवरेज की थी, आपकी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को कितना के प्यार लोगों का मिला है अब तक आपकी नजर में। बहुत अच्छा मिला जी, इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को, बहुत ज्यादा मिला उम्मीद से, बहुत लोगों ने उसको ठीक माना। मतलब आप कहीं आए गए हो, बार बार भीतर कभी आए गए हो तो लोगों ने बोला भी होगा जी आपकी वीडियो देखी। हाँ जी, बोला है, बहुत बोला है, कई जगह बोला है भैया, वहां पर वो बूढ़ा है कि भैया जिसकी आवा देखी, बोले हाँ वो ही सुनवाई। चलो भाई जी, आज के खास चीज लेकर के आए हो आप, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार है। ये रमेश ने ये शुरू कराया था प्रोग्राम, और नरसी जी ने, तो इनके ऊपर थोड़ा दोहा है। योग आचार्य रमेश ने ये कैसा मंत्र चला दिया, सूखे हो है एक फूल को फिर से कैसे खिला दिया, माली ने जैसे बाग के पौधों में पानी डला दिया, मंद पड़े कवि ज्ञान को के तंत्र को कैसे हिला दिया, नरसी जी एमपीएस न्यूज ने मुर्दे को कैसे जिला दिया, अनपढ़ मूर्ख मानव को सब पढ़ो लिखो में मिला दिया, जीवन के आखिरी वक्त में ये कैसा अमृत पिला दिया, जयसिंह के लुप्त ज्ञान का ये कैसा दीपक जला दिया। तो जी इसके बारे में थोड़ा खुल के हमको विस्तार से बताओ भाई, आपने जो ये पंक्तियां लिखी है इनका मतलब अर्थार्थ अगर हम जानना चाहें तो इनका एक अर्थ खुले खुले शब्दों में आपको थोड़ा बता दें। देखो जी, सबसे पहले मैं यहां आने में हिचक रहा था और रमेश जी ने बोले हिचको मत है, मैं आपका कुछ परिश्रम है उसको चमकाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। मैंने बोला भाई मैं को नहीं जाऊं, मैंने को बोलना हो ना बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, बोला ना तो मैं को नहीं आया। फिर एक दिन बिना बताए इन्होंने बोला बाइक पर बैठ काम है, मैं इनके पास आ गया तो मेरे तभी परिचय हो गया फिर इनसे, तो उसने मान ले मेरे बारे में कुछ, मेरा जो जितना विचार जितना मेरा दम था उससे ज्यादा बोल के कुछ बता दिया, नरसिंह जी ने फिर आकाश में चढ़ा दिया, तो उनके ऊपर थोड़ा दोहा था ये। ये हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्योंकि दोनों मानवों ने मिलके ना एक धरती के पड़े हुए पत्थर को आकाश में पहुंचाने की कोशिश की है, वो तो आप लोग सुनने वाले समझेंगे, पूछा कि नहीं पूछा। हाँ तो वैद्य जी एक बात और है, कहते हैं कि भाई गुरु बिना ज्ञान नहीं है, किसी फील्ड में आप लगा लो। तो आपने गुरु का जिक्र पहले वीडियो में भी किया था भाई, आपने जिन जिन से ज्ञान सीखा उसको आपने गुरु माना, इसके अलावा भी अगर आप कुछ अपने जीवन में किसे गुरु मानते हो। वो जी जो भाई था प्रभु मेरा जिसने कविता बताई थी, उसे का छोटा भाई हरिचंद्र था, अब तो वह एक्सपायर हो गए हैं, उनने मेरे को दो पुस्तकें दी थी,
ज्यादा सरे उन्हीं को जाता सबसे ज्यादा। 6 रुपए में मैट्रिक पास अंग्रेजी में और एक नालंदा का छपा हुआ गुटका साइड शब्दकोश, उन दोनों पुस्तकों ने मेरे को रास्ता दे दिया कि मैं डिक्शनरी भी ले आया ऑक्सफोर्ड और बड़ा शब्दकोश भी ले आया। तो मेरे को जो भी शब्द समझ में नहीं आता था उसको मैं समझ लेता था उनके सारे से। नाम क्या बताया आपने उस का? हरिचंद, यानी कि जो हरिचंद जी थे उन्होंने आपको किताबें भेंट की, उनसे आपने ज्ञान सीखा? हाँ जी, उनसे मैंने ज्ञान सीखा। उनका लड़का है भी मास्टर कुंदन लाल और बहुत अच्छा परिवार है। तो वो जो भाई बड़ा था प्रभु, वे 5 भाई थे, तो उससे छोटा था हरिचंद्र, उसने मेरे को ये रास्ता दिया। तो मैं इन पहली सीढ़ी उन्हीं को जाती है, उन्हीं ने चढ़ाया था, ना तो मैं पढ़ता भी कैसे, पढ़ा हुआ कोई था ही नहीं घर में। उन्हीं को सबसे ज्यादा योगदान है उनका मेरे जीवन में। तो भाई जी, क्या कहना चाहोगे लास्ट में हमारे दर्शकों को कि आप त्योहार के मौके पर स्टूडियो पहुंचे, कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ वैद्य जयसिंह जी आर्य, शिवानी खंड के गांव खेड़ा से, जिन्होंने बहुत ही अच्छी रचना भी लिखते हैं, ये कविताएं करते हैं और एक वैद्य तो है ही है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सी भी ख्याति पाई है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके इनके जो प्रेरणादायक विचार हैं वे हर एक भाइयों तक पहुंचाएं। तो क्या देर आप करो वीडियो को शेयर, अगली वीडियो मिलते हैं फिर एनपीएस न्यूज के लिए। शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापत की रिपोर्ट।